कि कोई भी एक नेचुरल होम कह लो आप नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल किसी भी प्लांट का एनिमल का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो जहाँ पे रहते हैं उनका घर हो या उनके आसपास सराउंडिंग्स वो हैबिटेट बोलते हैं एनिमल्स या तो ऑर्गेनिजम्स के घर को हैबिटेट बोलते हैं offers an organism food shelter and climatic conditions best suited for it to live. Thus, a habitat offers an organism the right kind of environment to survive, breed and thrive. <coughs> okay, तो habitat क्या provide करता है? Habitat आप ऐसे ही habitat में रहना पसंद करोगे जहाँ आप अच्छे से survive कर पाओ जहाँ पे ब्रीडिंग हो ओके okay? सो so आपका सूचेबल हैबिटाट ये आप चूज करोगे कोई भी एनिमल चूज करेगा देर आर मैनी डिफरेंट हैबिटाट ऑन द अर्थ सच एस स्नो कैप माउंटेन्स सॉल्टूशंस ग्रास लैंड डेजर्ट्स एंड डेंस रेन फॉरेस्ट ओके ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैबिटाट्स हैं ठीक है कोई स्नो कैप माउंटेन्स में रहता है कोई सॉल्टी ओशन में कोई ग्रास लैंड में कोई डेजर्ट्स में कोई रेन फॉरेस्ट में तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल वाइज ऑर्गेनिज्म वाइज उनके केबिटाट होते हैं ईच ऑफ दिस हैज अ सर्टेन यूनिक फीचर्स फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिसीव अबंडेंट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एज अगेंस्ट द ड्राई अफ्रीकन डेजर्ट दैट एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली स्कैं रेनफॉल ओके सो हैबिटाट वाइज उनके डिफरेंट डिफरेंट uh, होते हैं कंडीशन फीचर्स जैसे कि अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ले लो तो वहाँ पे बहुत अबंडन मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पूरे ईयर में रेनफॉल होती है इसलिए उनको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं और उसी के ऑपोजिट अगर आप अफ्रीकन डेजर्ट्स ले लो तो वहाँ पे बहुत ही कमी होती है रेनफॉल की वहाँ पर रेनफॉल होती ही नहीं है तो हैबिटेट भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उनकी कंडीशंस उनके फीचर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं दैर फॉर दिस एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन दिस टू हैबिटाट डिफो कंसिडरेबली नाउ एजैप्टेशन मतलब क्या होता है लेट सी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव इन द एनवामेंट बाई डेवलपिंग अटिन कैरेक्टरिस्टिक्स सच फीचर्स एंड हैबिट्स ऑफ अ लिविंग दैट हेल्प It to live in its comfortably. Adaptation. Adaptation मतलब क्या होता है कि आप है ना आपके जो एनवायरमेंट है ना उसको आप एडेप्ट कर लेते हो उसमें आप ढल जाते हो ठीक है उसको आप एडॉप्ट कर लेते हो कि हमारे आसपास ये एनवायरमेंट है तो हमने उसको adapt, मतलब एडेप्ट कर लिया हमने उसको मान लिया कि हमें इसी में रहना है नाउ अभी डिफरेंट डिफरेंट हैबिटास होते हैं टेरिस्ट्रियल हैबिटाट्स होते हैं ठीक है देन एक्वेटिक हैबिटाट्स ओके टू टाइप्स के हैबिटाट्स होते हैं टेरिस्ट्रियल हैबिटाट्स और एक्वेटिक हैबिटाट्स ओके यहाँ तो टेरिस्ट्रियल मीन जमीन के ऊपर रहेंगे याक्वेटिक मतलब पानी के अंदर रहेंगे ओके okay? लैंड uh, के ऊपर या लैंड के नीचे सो so, ये तो हम दो टाइप के हैबिटेट्स इस चैप्टर में देखने वाले हैं एक हैबिटेट्स ओके सो लेट्स सी अबाउट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जो habitats पे लोकेट करते हैं उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिस्ट्रियल है्रासलैंड फॉरेस्ट एंड कोस्ट ये सारे एग्जाम्पल हैं ठीक है तो हम एक एक करके देखेंगे डेजर्ट है माउंटेन रीजन ग्रास लैंड फॉरेस्ट एंड कोस्ट ओके सो आज हम सिर्फ डेजर्ट्स एंड माउंटेन रीजन देखेंगे बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे तो आज के लिए सिर्फ डेजर्ट एंड माउंटेन रीजनस ओके सो फर्स्ट है डेजर्ट और डेजर्ट इज वास्ट एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड डेजर्ट जो होता है बहुत ही बड़ा एरिया होता है जो सैंड से कवर होता है डेजर्ट्स आर हॉट ड्यूरिंग डे एंड कोल्ड एट नाइट डेजर्ट क्या होती है डे ड्यूरिंग डे में बहुत ही हॉट होती है एंड रात को बहुत ही कोल्ड होती है डेजर्ट्स रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल एंड हैंड्स वाटर इज ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई पे होती है वहां पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है ना के बराबर होता है इसलिए वहां पे वाटर का ऑलवेज शॉर्टेज होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन डेजर्ट्स अ वैरायटी ऑफ वेस्ट टू कुछ विद एक्सट्रीम कंडीशंस ओके जैसे कि जो एनिमल्स और प्लांट्स डेजर्ट्स में रहते हैं उनको अच्छे से कोप अप करना आता है सिचुएशन से वो अच्छे से ये जो कंडीशंस है उनके साथ वो उन्होंने एडेप्ट कर लिया इन कंडीशंस को तो वो इजीली उनके साथ कोप अप उस उनके साथ डील इजीली कर सकते हैं सो so, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन से प्लांट्स डेजर्ट्स में रहते हैं ओके प्लांट्स लाइफ इन डेजर्ट डेजर्ट में प्लांट्स की लाइफ कैसी होती है यू नो दैट प्लांट्स लॉस वाटर थ्रू स्ट्रोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन ओके एज यू ऑल नो दैट ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को लॉस करते हैं स्ट्रोमेटा के थ्रू ओके अभी ऐसे प्लांट्स में क्या होता है कि लॉस ऑफ वॉटर कम हो इसकी वजह से जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें छोटे छोटे लीव्स uh, प्रेजेंट होते हैं ओके एंड डेजर्ट ट्रीज एंड जो श्रब्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं ठीक है और उनकी ब्रांचेस बहुत ही कम होती हैं और उनके जो रूट्स होते हैं वो इतने डीप चले जाते हैं इन सर्च ऑफ वाटर आपको पता ही है पानी के नीचे ज़मीन के नीचे पानी अवेलेबल होता है तो उनके रूट्स बहुत ही डीप जाते हैं अंदर इन सर्च ऑफ वाटर पानी ढूंढ के ढूंढने के लिए वो जो प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं बहुत ही डीप जाते हैं मैनी प्लांट है बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स फ्लैशी होते हैं वो क्या करते हैं वॉटर को स्टोर करके रखते हैं दे आर कॉलेंट प्लांट्स ओके ऐसे प्लांट्स को सक्यूल प्लांट बोलते हैं द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विथ अ थिक वैक्सी लेर दैट है उनका स्टेम भी कवर होता है थिक होता है द कैक्टस, बबुल, डेज़ पाम आर कॉमनली फाउंडेड डेज़र्ट्स। ये सारे जो प्लांट्स हैं वो डेज़र्ट्स में पाए जाते हैं। कैक्टस है, बबुल है, डेज़ पाम है आर कॉमनली फाउंड इन डेज़र्ट्स। The cactus plant is well adapted to surviving deserts. स्टेम इज थ्रीन एंड फ्लैश उनका जो स्टेम होता है वो थिक ग्रीन एंड फ्लैशी होता है यहाँ पे कैक्टस की बात हो रही है इट स्टोर्स वाटर एंड ऑल्सो कैरीज अबाउट फोटोसिंथेसिस वाटर स्टोर करके रखता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो होती ही है द लीव्स हैव बीन मॉडिफाइड टू टू मिनिमाइज वाटर लॉस बाय द बाइंस ऑल्सो प्रोटेक्ट द कैक्टस प्लान फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स जो स्पाइंस होते हैं वो अगर ग्रेजिंग के लिए स्पाइंस होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं ग्रेजिंग ना हो ओके वाइड स्प्रेड नेटवर्क ऑफ थिन रूट स्प्रेड क्लोज टू दॉयल सर्फेज एंड श्योर्स दैट द प्लान कैन क्विकली एब्जॉर्ब इवन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेन बहुत ही रूट्स का बहुत ही अच्छा सा नेटवर्क होता है ताकि थोड़ा भी पानी ड्रॉप्स हों रेन की तो वो ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये बात हुई प्लांट्स की नाउ एनिमल लाइफ इन डेजर्ट्स द एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट टेम्परेचर एंड स्कैसिटी ऑफ वाटर अभी जो एनिमल्स डेजर्ट में रहेंगे उनको बहुत ही हाई टेम्परेचर मिलेगा और पानी की बहुत ही कमी होगी मैनी डेजर्ट एनिमल्स लिव इन बरूस टू एस्केप द स्कॉचिंग हीट दिस एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग नाइट वेन इट इज कूलर कोई एनिमल्स क्या करते हैं कि बरो में रहते हैं बरो मतलब जमीन के नीचे बरो बना के रहते हैं और जब रात होती है तब बाहर आ जाते हैं क्योंकि रात को क्लाइमेट कूल होता है दिन में वो बरो में चले जाते हैं मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स गेट वाटर फ्रॉम द फूड द ईट सर्क्यूलेटेड प्लांट सीड And body tissues of their prey some animals have a thick skin which reduce water loss through perspiration okay most of the animals what do they do? Do they water when they food they water okay now on the dropping of many desert animals are extremely dry as their bodies are designed to extract as much

द लार्ज फ्लैट फीज विथ पैडिंग एनिमल द कैमल टू वॉक ऑन सैन ईज़ीली उनके जो कैमल के जो पैडिंग हैं फीट होते हैं पैड से वो उनको वो उसको वॉक करने के लिए ईजीली होते हैं द टोज़ आर जॉइंट सो इट्स फीट डू नॉट सिंक इन टू द सैन वाइल वॉकिंग उसके जो चोज होते हैं वो जॉइन्ड होते हैं ताकि वो ईजीली सैन में अंदर वॉकिंग करते वक्त सिंक ना हो जाए इट कैन मेनटेन बॉडी टेम्परेचर आप देखते होगी कैमल के ऊपर एक हम होता है पीछे पीछ में। उसमें क्या करता है वो स्टोर फैट स्टोर करके होता है द कैमल यूजेज इट एज नरिशमेंट वेन फूड इज स्कैस वहां पर उसका फूड जमा होता है ठीक है वो जो हम्प नहीं होता कैमल के बैक पे ऊपर वहाँ पे वो अपना फूड स्टोर करके रखता है और जब भी फूड की स्केसिटी हो तभी वो वो फूड यूज़ कर लेता है इट कैन ओपन और क्लोज इट्स स्लिट लाइक नॉस्ट्रिल्स एट विल इट ऑल्सो हैज़ टू रोज ऑफ आई लैशज ऑन ईच आइज वो दिस एडेप्टन प्रिवेंट द दैन फ्रॉम गेटिंग इन टू नोज एंड आइज रिस्पेक्टिवली और उनके आइज जो होती हैं आई लैशेज वो रोज टू रोज ऑफ होती हैं ऑन ईच आइज बिकॉज कि उसकी आँख में नोज़ में बहुत ही नोज एंड आइज में धूल नहीं चली जाए सैंड नहीं चली जाए इसीलिए उसकी टू रोज़ आई की होती हैं द थरी स्किन ऑफ इट्स माउथ एनेब द कैमल टू च्यू थॉनी प्लांट्स और वो आ, उसका माउथ की उसकी स्किन ऐसी होती है थिक होती है जिससे वो च्यू कर सके थॉनी प्लांट्स को सो so, ये हमने देखा डेजर्ट्स का ठीक है नाउ माउंटेन रीजन्स ग्रास लैंड्स एक्सेट्रा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे आज हमने देखा दैट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं टेरिस्ट्रीयल हैबिटाट्स उसमें डेजर्ट हमने देखा आज ओके okay? सो so, आज के लिए इतना ही थैंक यू ऑल